नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज हम दो मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कड़ा हमला किया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। मैं आपको बतलाऊंगा क्यों। दूसरा मुद्दा आपके सामने, नफरती यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हो गई है, मगर क्या नफरत पर भाजपा सरकार लगाम लगा पाएगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश का रुख करने चाहूंगा। आपके स्क्रीन्स पर अमरोहा के भाजपा के विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने जुलूस निकाला और आप इस वीडियो में देख सकते हैं हजारों की तादाद में वहां लोग निकल पड़े। और ये जो रैली है, इस पर अभी सिर्फ अमरोहा पुलिस ने संज्ञान लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा हमला चुनाव आयोग पर बोला है। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री व अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुरक्षित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है, कोई है करारा हमला बोला है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोएडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर FIR दर्ज कर दिया है, मगर अमरोहा पुलिस अभी सिर्फ संज्ञान ले रही है। देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी इस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने 300 लोगों के घर के अंदर मीटिंग की अनुमति दी है। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए श्री भूपेश बघेल जी ने पंखुड़ी पाठक जी के समर्थन में नोएडा विधानसभा के ग्राम सरौखा में डोर टू डोर कैंपेन किया और उसके लिए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, वो वीडियो फिर से मैं आपको दिखला रहा हूं, जिसमें जो है भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं। इसी तस्वीर को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर दी गई है। और आपके सामने अमरोहा में खड़गवंशी साहब खड़ग लेकर निकल पड़े हजारों लोगों के बीच में। इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमला बोल रही है। आपको याद होगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यसभा चुनाव, लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग को यही तो कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, मगर जब विपक्ष की बारी आती है तो अचानक चुनाव आयोग जाग जाता है। मैं आपको सिर्फ दो मिसालें देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम एक सभा में कहते हैं कि यह चुनाव जो है वो 80% बनाम 20% है। यही नहीं, यह 80% बनाम 20% क्या है, इसका स्पष्टीकरण संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट के जरिए दिया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक कोई मुस्लिम लड़का जो है वो किसी से कह रहा था कि भाई सरकार बदल जाएगी फिर हम आपको बताएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 80% मनाम 20% का मतलब है 80% हिंदू और 20% माइनॉरिटीज। खुलेआम हिंदू मुस्लिम वाली बात करना, खुलेआम। और चुनाव आयोग ने अब तक इसका संज्ञान तक नहीं लिया है। भाई संज्ञान तो लेना चाहिए था, इस मामले की जांच तो करनी चाहिए थी, आपने संज्ञान भी नहीं लिया। अब आपकी स्क्रीन पर असीम अरुण कानपुर के कमिश्नर, ये VRS लेके यानी कि वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई अगर आप रिटायर हो जाएं तो एक कूलिंग पीरियड होता है, कुछ वक्त बिताइए उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाइए। मगर इस आदमी ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर ये बीजेपी की टिकट पर कन्नौज से अब चुनाव लड़ने वाले हैं।
सबसे शर्म की बात है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद, अपनी ख्वाहिश जताने के बाद, ये पुलिस की जो है ड्रेस पहनकर संदेश दे रहे थे। और जब एनडीटीवी ने इनसे इंटरव्यू किया तो इनका कहना था, नहीं आपको यह सुनना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा था। असीम अरुण साहब, आपको कोई अधिकार नहीं, एक बार जब आप भाजपा का दामन थाम लें तो पुलिस की वर्दी पहनकर आप जो आने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको संदेश दें। पहली बात तो जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, असीम अरुण का अनुसरण मत करना, क्योंकि सबसे पहली बात इससे यह पता चलता है इस व्यक्ति ने नौकरी करते हुए वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। यानी कि मैं नहीं जानता हूं, जब ये नौकरी कर रहे थे तो क्या ये वाकई राज्य की सेवा कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, या फिर उनकी सेवा कर रहे थे। दूसरी तरफ आप जब पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं और जब आप कुछ कहते हैं जबकि आप बीजेपी का हिस्सा हो रहे हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संदेश होता है और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर, हां भाई गोली मारो ठाकुर, वो जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी में माफिया शामिल होता है, हमारे यहां तो असीम अरुण साहब जैसे लोग शामिल होते हैं। असीम अरुण साहब एक आदर्श मिसाल है कि एक पब्लिक सर्वेंट को कैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट यानी कि एक नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस ऑफिसर। मगर आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी का जलवा, उनके राज में उनकी जो ब्यूरोक्रेट्स और भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैंने आपको ढेरों मिसालें दी हैं किस तरह से उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मानो पार्टी के प्रवक्ताओं जैसे काम करते हैं। नवनीत सहगल, अवनीश अवस्थी, ढेरों मिसालें इसकी। और आपको याद होगा कि मेरे शब्द नहीं है, खुद समाजवादी पार्टी ने खत लिखकर कहा था कि अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, अमिताभ यश, प्रशांत कुमार जो कि लॉ एंड ऑर्डर एडीजी हैं, इन्हें पद से हटाया जाए क्योंकि ये भाजपा के समर्थकों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा कब हुआ है मैं जानना चाहता हूं। और चुनाव आयोग लगातार खामोशी अख्तियार करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों लिख के ले लीजिए, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, अमिताभ यश या प्रशांत कुमार, इनमें से मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि सभी या कम से कम दो लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले ही। ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अभी जो चुनाव आ रहे हैं इनमें से कोई एक चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। मगर चुनाव आयोग सोता रहेगा, कितने शर्म की बात है। न्यूज चक्र में आज दूसरा मुद्दा है आपके सामने, नफरती सियासत का। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आखिरकार यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दो कारणों से गिरफ्तार किया गया है। पहला, इन्होंने महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके अंदर इन्होंने भाजपा की महिला नेताओं के बारे में इतनी गंदी और अश्लील बात कही थी, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। इन्होंने हिंदू महिलाओं के बारे में भी बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, सुनिए। सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर कर जाने। ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग। ये वो आदमी है जिसके पक्ष में भाजपा के कई नेता मैदान में आ गए थे, ये जो बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा जो है, इसने पैसे की उगाही की थी यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले वसीम रिजवी, जो बाद में जाके जितेंद्र त्यागी बन गए धर्मांतरण, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो दो कारणों से इन्हें गिरफ्तार किया गया है यति नरसिंहानंद सरस्वती को, एक तो इसलिए कि ये महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे और नफरती बयान दे रहे थे। मगर अब भी दोस्तों वो कड़े संदेश का हमें इंतजार है जो हमें सुनना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, क्योंकि दुनिया देख रही है, दुनिया लगातार देख रही है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, माइनॉरिटीज की लड़कियों को
उनकी ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए, लिंचिंग्स हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है जॉर्ज स्टैंटन। कौन है जॉर्ज स्टैंटन, मैं आपको बताता हूं। जॉर्ज स्टैंटन वो आदमी है दोस्तों जिसने रवांडा में जब नरसंहार हुआ था उसकी वक्त से पहले चेतावनी दे दी थी, अब वो भारत के लिए चिंता जता रहे हैं। रवांडा में क्या हुआ था? रवांडा में जो वहां की मेजॉरिटी समुदाय है उनके अत्याचार के चलते वहां की जो माइनॉरिटी समुदाय है उस पर अत्याचार हुआ था और करीब 10 या 12 दिनों में 4 से 8 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। और उससे पहले क्या हो रहा था, वहां का जो मीडिया था खुलेआम माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली गलौज करता था। और यही नहीं, उनके कई एंकर्स शराब पीकर बैठ जाया करते थे और शराब के नशे में अनाप शनाप चीजें बोलते थे। भारत में याद आया वो कौन सा पत्रकार था जो शराब के नशे में बैठ गया था और हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का अपमान कर रहा था? यही नहीं, रवांडा में यह भी हो रहा था कि जो माइनॉरिटी समुदाय की महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसा कुछ भारत में नहीं होगा, मगर जब बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स में मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी होती है और सरकार खामोश रहती है तो बहुत चिंताजनक है दोस्तों। क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग भी बड़ी मुश्किल से जागा, देश की महिला और विकास मंत्री जो है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री के मुंह से मैं शब्द सुनना चाहता हूं, वो खामोश हैं। जॉर्ज स्टैंटन तो आज बोल रहे हैं, अक्टूबर 2019 को मैंने इसी मंच पर रेडियो रवांडा पर आपके सामने कार्यक्रम किया था, याद है या भूल गए? उसकी एक झलक देखिए, आप समझेंगे कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। आज से करीब 2.5-3 साल पहले यह मुद्दा मैं आपके सामने उठा चुका हूं, सुनिए। रेडियो रवांडा क्या था दोस्तों? रेडियो रवांडा रवांडा नाम के देश में एक रेडियो चैनल था और उस वक्त के तमाम अखबार, उन अखबारों ने रवांडा के अंदर जो दो समुदाय थे, हुतू और तूतसी, तूतसी समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उन्हें मारने की वकालत की। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख तूतसी समुदाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है दोस्तों। यह तस्वीर किसकी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर है एन मैरी उविमाना की। कौन है एन मैरी उविमाना? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि एन मैरी कह क्या रही है। जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। जब जब मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूं। उस दिन सेलेस्टिन दो हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टिन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे दो बच्चों की गर्दनें काट दी। यहां पर जिस सेलेस्टिन की बात एन मैरी कर रही है वो तो उनके पड़ोसी थे। सालों से इनके बीच में विश्वास था, मगर उसी पड़ोसी ने आके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 के दशक से ही रवांडा के तमाम अखबार तूतसी समुदाय, जो कि माइनॉरिटी में था, तूतसी समुदाय के खिलाफ प्रचार चला रहे थे, उन्हें कॉकरोचेस बता रहे थे। आज मैं उसकी एक झलक आपको सुनाने वाला हूं। ये 1994 से पहले का रेडियो रवांडा का एक प्रसारण है। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का तर्जुमा आपके सामने पेश करें, इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनकर आपको अपने देश की याद आएगी। सुनिए। Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les unième vie, vous n'êtes pas des Rwandais.
inyezi kotani narabwiye abasirikare bacu nibo ba mbere mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu mbabwira inkumi mbabwira abasore murabyumva rero inyezi ntabwo zishobora gukandira abantu bose Ukwari bache cyane. Ndetse nubwo twabari aga kwijana, bikumi kwijana. Ubwo bakigara umunani kwijana, abantu se koko. Nubwo tushime futi. Ingo tani zashize. Nubwo tushime futi. Yewe imana nirenga ya. Imana nirenga ya koko. Kuba hano bitugwana tugakina ingenzi ngo tagi burundu nazo dusubira urubanza n'ubaho kuko nubwo abatora urwanyi kandi batsinda nidushingwa byo birumvikana n'utwari gishyira mu gihugu. दोस्तों जून 1993 में एक नया रेडियो स्टेशन रवांडा में शुरू हुआ जिसका नाम था रेडियो टेलीविजन लीब्रे देस्मिएल कोलिन्स आरटीएलएमसी। इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो भाषा थी वो बहुत ही सड़क छाप भाषा थी। यहां पर अक्सर जो उद्घोषक थे वो शराब पीकर आते थे, यही नहीं बल्कि गाली गलौज करते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी यानी कि तूतसी समुदाय के खिलाफ। और जब यह नरसंहार शुरू हुआ तो सिर्फ तूतसियों को नहीं मारा गया बल्कि हुतू समुदाय में जो उदारवादी लोग थे, जो तूतसियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, तूतसी समुदाय की कई जो औरतें थीं उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा गया। आज मैं आपके सामने भारतीय मीडिया की कुछ मिसालें पेश करना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रहा हूं टेलीविजन टुडे आज तक के इस कार्यक्रम का यह स्क्रीनशॉट जिसकी खासी आलोचना हो रही है। और सबसे शर्म की बात यह है कि इंडिया टुडे के जो संस्थापक हैं अरुण पुरी साहब अब तक इस पर खामोश हैं और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके चैनल पर यह गया कैसे। सुनिए क्या है। जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। मस्जिद वाले कहां से पधारे। क्या अभी तक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं आया है, मगर साफ तौर पर एक भड़काऊ कार्यक्रम करने की कोशिश की गई जिसमें हमारी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। अब गौर कीजिए टाइम्स नाउ के, वाई डेनिग्रेट हिंदू आस्था, हिंदू आस्था की बेइज्जती क्यों की जा रही है। राम मंदिर काउंटडाउन, गौर कीजिएगा राम मंदिर काउंटडाउन, अभी तो अदालत का फैसला नहीं आया मगर इन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब गौर कीजिए इस बात पर। यह एक और स्क्रीनशॉट है दोस्तों, डिले जस्टिस डिराइड हिंदूज इज द लूटियंस लिबरलिज्म द बिग क्वेश्चन ऑन इंडिया अप फ्रंट एट 8 PM आफ्टर मस्जिद लॉयर क्रॉसेस ऑल लिमिट्स ऑफ डिग्निफाइड कॉन्डक्ट एंड इंसल्ट्स हिंदू आस्था इन द सुप्रीम कोर्ट। यहां बात हो रही है राजीव धवन की, बल्कि आप और हम सब जानते हैं कि राजीव धवन ने खुद कहा था कि मैं क्या वो पन्ना फाड़ सकता हूं, और इसकी इजाजत उन्हें चीफ जस्टिस ने खुद ने दी थी। मगर राजीव धवन को यहां एक खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो न्यूज चैनल्स हैं वो एक वकील के खिलाफ एक लिंच मॉब, एक भीड़ पैदा कर रहे हैं जो कि उन्हें मौत के घाट उतार दे। आप मुझे बताएंगे कि जवाबदेही किसकी है। अब गौर कीजिए दोस्तों इस और चीज पर, ये एक पत्रकार हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये चांद पर पहुंच गए थे। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि मंदिर बनेगा या मस्जिद रहेगा, मगर देखिए इन्होंने बाकायदा मंदिर का पूरा प्लान पेश कर दिया है। दोनों मंजिल में कुल 212 स्तंभ होंगे, पहली मंजिल में 106 स्तंभ, दूसरी मंजिल में 106 स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां, पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा, परिक्रमा मार्ग 10 फीट चौड़ा होगा और दूसरा चबूतरा 4 फीट 9 इंच होगा, उसके ऊपर स्तंभ लगेंगे। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करके आप करना क्या चाह रहे हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूं, मैं अपने सामने ट्रेंड्स देख रहा हूं और ये ट्रेंड्स पिछले 5-6 सालों से लगातार चले आ रहे हैं। उन ट्रेंड्स को एनालाइज करना एक पत्रकार होते हुए मेरा काम है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे देश पर कि यहां पर नरसंहार जैसी कोई चीज नहीं होगी।
मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पर। मैं एक कदम आके जाके ये भी कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है अपनी सरकार पर भी कि वो ऐसे सूरत हाल नहीं आने देंगे। मगर ये तो मेरा विश्वास है ना, कथनी और करनी में फर्क ना हो जाए ये डर है मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी संस्थाएं मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगी, क्योंकि देश फिर अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाएगा अगर ऐसा कुछ सामने आ जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि ये तमाम चीजें ना हों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।